है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में, और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। दाता सुख दे, खुशियां बख्शे दाता। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि वो तमाम लोग जिनका जन्म सोमवार को हुआ है उसका आपकी किस्मत से क्या कुछ कनेक्शन है, लेकिन जो तमाम लोग जिनका जन्म शाम के वक्त हुआ है उनके बारे में हमने बात नहीं की थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पिछले एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जिनका जन्म सोमवार को हुआ है शाम के वक्त, उनकी किस्मत में लाल किताब के अनुसार क्या कुछ लिखा है। अक्सर शो देखते हुए आपके मन में आया होगा कि आखें और पिछले एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जिनका जन्म सोमवार को हुआ है शाम के वक्त, उनकी किस्मत में लाल किताब के अनुसार क्या कुछ लिखा है। अक्सर शो देखते हुए आपके मन में आया होगा कि आखिरकार इस शो से जुड़ने का क्या तरीका है, तो एक बार फिर से आप सभी को मैं याद दिला दूं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के जरिए। फेसबुक पे गुरु मंत्र लिखकर आप हमें ढूंढ सकते हैं, वहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जन्म की तिथि समय स्थान आप लिख दे, अपना सवाल पूछे और आपका सवाल हम अपने शो पे जरूर गुरुदेव से पूछेंगे। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं जो कुछ भी आपके सवाल हैं, और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपना सवाल लिखते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि अपना नाम और अपना फोन नंबर जरूर लिख दें, जिसके जरिए हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा ये जो एपिसोड है ये पिछले एपिसोड की कंटिन्यूएशन में है, तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और जिनका जो जन्म का समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे यानी दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में आता है। गुरुदेव शुरुआत करते हैं, मुझे लग रहा है कि लोग इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस एपिसोड का कि हमारी बारी कब आएगी, तो उनकी बारी अब आ गई है। तो शुरुआत भी हम कर रहे हैं कि जिनका जन्म हुआ है सोमवार के दिन और जन्म का समय 1 बजे से लेकर 4 बजे 1 PM to 4 PM। ठीक कह रही हूँ बेटा, हर जगह भ्रमित करने वाले बहुत सारी चीजों को बताया जाता है, अगर जन्म कुंडली के अंदर ये है, अगर जन्म कुंडली के अंदर वो है, लेकिन सटीक किस्मत किसी भी चैनल के ऊपर कोई नहीं बताता। सिर्फ और सिर्फ हमारा ही एक ऐसा चैनल है, ये समझ गए, हमारा इंडिया न्यूज ही ऐसा है कि जहां पर लोग आकर के अपनी जीवन की सच्चाई को पा सकते हैं, जो ये जान सकते हैं कि आपकी पैदाइश का दिन और समय आपकी क्या किस्मत लेकर के आया है, और जो मैं यहां बोलूंगा बेटा वो आपकी किस्मत में जरूर होगा। अब ये अच्छा हो या बुरा हो ये तो परमात्मा दे रहा है, आपके पैदा होने का दिन और समय दे रहा है, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप जब पैदा हुए हैं तो क्या किस्मत लेकर के आए हो। और ये जो हम बता रहे हैं ये लाल किताब का ज्ञान है, उसका विज्ञान है, समझे, और लाल किताब आपके बारे में बताती है, और इसीलिए लाल किताब को मैंने अपनाया क्योंकि मेरे को लगा कि इस धरती पर अगर सच्चा साफ और सबसे बड़ा अगर कोई ज्ञान और विज्ञान है तो वो लाल किताब पे ही है। और आज आप फिर से प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे कि कैसे ये जिंदगी की एक एक कड़ी को निकाल के रख देता है और जीवन का आधार बता देता है कि आपकी जिंदगी होगी तो कहां होगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं लाल किताब को सुबह से शाम और शाम से सुबह तक प्रणाम करता हूं, और यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, यही ध्येय है, और आपकी जिंदगी आपको बताना मेरा यह कर्तव्य भी है, और जो मैं बखूबी निभा भी रहा हूं, और परमात्मा ने जब तक जीवन दिया है तब तक आपके लिए यह काम करूंगा मैं। लेकिन अब सुनिए कि लाल किताब क्या बोलती है उनके लिए जो सोमवार को दोपहर को 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनका जीवन क्या है। शुक्र चौथे जब हुआ पानी आया औरत हुआ बैराग, 1 से 2 भी हुई पर बुझी ना उसकी आग। अब बेटा सोमवार के दिन 1 से 4 के बीच में लड़के भी पैदा हुए होंगे, लड़कियां भी पैदा हुई, लेकिन इनके जीवन के अंदर एक फिक्स आधार है कि इनकी 2 शादियां लगभग पक्की होती हैं, समझे, या एक शादी होती है और दूसरे के साथ में संबंध बनता है, और हालात ये होते हैं कि ऐसे इंसान को शारीरिक सुख की चाहत इतनी होती है
कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, ये लाल किताब बोलती है। उसके बाद में दरिया की है वह दलदल, तालाब की है चिकड़ी, औलाद मामू दो घर, बिखरी हुई हो खिचड़ी। कि जीवन साथी यानी कि मियां बीबी के ऐसे हालात होंगे कि जैसे कीचड़ के अंदर पांव एक जगह ठहरता नहीं, फिसल जाता है, ऐसे ही गृहस्थी के अंदर भी रहते हुए पांव एक जगह टिक नहीं पाएंगे। मियां बीबी के आपसी कलेश और हालात ऐसे बनेंगे कि इनके जो बच्चे होंगे उनको जाके अपने मामा के घर पे रहना पड़ेगा, समझे, और या किसी और रिश्तेदार की मदद से किसी और रिश्तेदार के घर पे रहना पड़ेगा जो उनकी मदद करेगा, समझे, क्योंकि इनके मियां बीबी के आपसी दुखी इतने बड़े होंगे कि ये सुखी रह नहीं सकते, तो बच्चों को तो दूसरों के सहारे ही छोड़ना पड़ेगा। ये चीज पत्थर भी रेत होकर तो रेत उड़ता होगा, औरत की हो अजारी बुध के तू मंदा होगा। यानी कि जीवन साथी का सुख अच्छा नहीं होगा, व्यापार करेंगे उसका सुख अच्छा नहीं होगा, अपना ब्रांड कोई निकालेंगे वो नहीं चलेगा, और पुत्र का सुख भी जिंदगी के अंदर कमजोर होगा। ये बात कही है, यानी कि रेत ही उड़ती होगी जो भी कुछ करने लगे। कुआं चलता उमदा होवे, दबता मिट्टी जो रहे, घर कुआं ही बंद होवे, लक्ष्मी वहां ना रहे। कहता अगर तो घर में पानी का साधन है, हैंडपंप वगैरह है, कोई कुआं है या बावड़ी है, कुछ भी है, तो जिंदगी फिर भी ठहर जाएगी, अच्छी चल लेगी, सहजता के साथ में ठोकरे खाते हुए निकल लेगी। अगर ये ना हुआ और पानी का कोई साधन ही घर में ना हुआ तो बेटा जिंदगी बिखरी हुई होगी, खराब होगी, रेत की तरह उड़ेगी और कामयाबी के साथ खराब होगी। तो आगे क्या लिखा है, औरत दो जिंदा होते हुए भी किल्लत औलाद होगी। अब ये औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है जो इस समय में पैदा हो, तो वो दो दो जीवन साथी बना करके भी औलाद के सुख के लिए तरसता रहेगा, यानी कि लड़के के सुख के लिए। जो बुध की 34 साल उम्र के बाद मंगल शनिचर या केतु के दौरा के वक्त में जब वह तख्त या खाना नंबर एक में आवे तो दूर होगी। तो जब भी मंगल शनिचर केतु वर्ष फल के हिसाब से जन्म कुंडली के पहले घर में आएगा उस वक्त में औलाद की किल्लत दूर हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। पर पता ये करना है कि मंगल शनि या केतु हमारी जन्म कुंडली के अंदर वर्ष फल के हिसाब से पहले घर में कब आ रहे हैं उस वक्त में औलाद होगी। उससे पहले चाहे कई कुछ कर लो, औलाद के सुख कमजोर हैं। अगर शुक्र खुद किसी और ग्रह का साथी या ग्रह बन रहा हो तो आड़ू की किताब। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1 बजे से 4 बजे के बीच में सोमवार को हुआ है, तो अगर उनकी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में कोई भी ग्रह आकर के बैठता है, जब तक वो आड़ू की गुटली के अंदर सुरमा भर के बेटा 4 शुक्रवार तक घास वाली जमीन में नहीं दबा जाते, तब तक जिंदगी के अंदर कामकाज की स्थिरता, मियां बीबी के सुख की स्थिरता, घर के सुख उनके जीवन में नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा जरूरी बन गया है। चंद्र के उपाय से जब मामू घर बर्बाद हो रहा हो तो ऊपर लिखा हुआ ना बुरा हाल हो, जब तक कि घर के पहले दरवाजे की दहलीज पुरानी उम्दा साफ और बादस्तूर हो। यानी कि जब शादी हुई उस वक्त में जो जीवन साथी चुना, अगर उनका घर कम से कम 7 साल पुराना होगा तो जिंदगी ठीक रहेगी। अगर वो घर ऐसा हुआ जिसे अभी 1-2 साल पहले ही खरीदा है, बनाया है, नया रहने के लिए गए, ऐसे जीवन साथी के साथ में ब्याह हो गया तो बेटा जिंदगी वीरान होगी। ये इतनी महीन चीज तक भी देखनी पड़ती है बेटा, ठीक है। अगर खुद औरत की सेहत बर्बाद हो, यानी कि अगर ऐसे इंसान जिसका कि जन्म सोमवार के दिन 1 से 4 के बीच में हुआ, शादी करने के बाद उसके जीवन साथी की सेहत खराब पे खराब होती जाए, वो जीवन साथी वाला सुखी ना भोग पाए, तो इसको ठीक करना बहुत ही आसान है कि बाहर तालाब से आप कीचड़ लेकर के आए, तालाब की मिट्टी निकाल के लेकर के आए, उसे अपने घर की छत के ऊपर 3 फुट बाई 3 फुट का एक लेप कर दो और सेंटर में खूब सारा कीचड़ रख दो, और एक चांदी की इतनी बड़ी डिब्बी लेकर के जिसके अंदर की 50-100 ग्राम शहद कम से कम आए, 100 ग्राम कम से कम आए बेटा, उसमें शहद भर के उसमें ढक्कन लगा के उस कीचड़ के अंदर दबा दो घर की छत पे, बरसात आए धुल जाए दोबारा कीचड़ ला करके वहीं पे दोबारा कर दो बेटा, ये काम कर दो, जीवन साथी की सेहत ठीक हो जाएगी। बहरहाल वह शख्स ना कभी लावंद और ना ही आजुदा हाल हो, और जब कभी भी हो उम्दा और खुशहाल हो। यानी कि ऐसा इंसान ऐसे हाल तक तो नहीं पहुंचेगा कि जगह जगह पैसे मांगने पड़े, और लावंद यानी कि ऐसा हाल होगा नहीं कि बच्चे हो ना, अगर लड़का नहीं हुआ कोई बात नहीं, लड़कियां तो जरूर हो जाएगी, इसे बोलते हैं कि लावंद ना होगा।
ठीक है। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, और बल्कि अपनी मेहनत से अपने आप को खुशहाल करने की तरफ जरूर चल पड़ेगा, ठीक है। औरत की जाति किस्मत का ना उससे साथ हो, फिर भी हो तो विधाता की कलम उसके बृहस्पति के हाथ हो, बशर्ते कि शनि ना उसके साथ हो, ठीक है। ऐसे टेबल में शनिचर और बुध दोनों ही रद्दी होंगे, यानी शनिचर मकान वगैरह, बुध बहन बुआ वगैरह का फल भी रद्दी होगा। तो ये तो आपको साफ समझ आई गया। तो बेटा ये है किस्मत, सोमवार के दिन अगर कोई बच्चा 1 से 4 बजे के बीच में पैदा होता है तो ऐसे उसकी किस्मत होगी, ये आपको साफ पता चल रहा होगा सामने, अगर आपके इस समय में किसी का जन्म है तो। बेटा उपाय भी मैंने साथ के साथ ही दिए जो जीवन को खुशहाल और गुलजार कर दे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े और बात आपके भविष्य की करें, हमारे साथ एक वीडियो कॉलर जुड़े हुए हैं जो कि जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम है राहुल, मेरा जन्म का स्थान है हिसार, डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1986, टाइम 2:30 PM है। मेरा सवाल यह है कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, जो भी उतारने की कोशिश करता हूँ वो कर्जे के ऊपर कर्जा चल रहा है। अब बेटा तुम्हारी किस्मत का ग्रह तुम्हें क्या बोल रहा है ये सुनना चाहिए। अब जो तुमने कहा कि कर्जा बहुत है और ये कैसे कम होगा, तो पहले अपनी किस्मत सुनो। दीवार कच्ची, मिट्टी कच्ची, तय ही कच्ची, गरवा हो, जिसम मोटा सेहत उम्दा, शुक्र घर दसवें हो, बाग बगीचे उम्दा कोठे, ऐश करेगा वह सदा, शनि हो उसके दाएं बाएं, देखेगा ना हादसा। कहता है अगर तुम कच्चे घर में रहे या घर की पश्चिमी दीवार की तरफ भी कच्चापन हुआ या कच्ची दीवार ही हुई तो जिंदगी के अंदर रुपया पैसा, ऐश करने की ताकत, जीवन साथी के सुख सब कुछ ही उम्दा होगी। लेकिन अगर तुम पक्के घर में रहते हो और घर के पश्चिम की तरफ में अगर मिट्टी नहीं है, कच्ची जमीन नहीं है, तो कर्जा होगा और इसीलिए तुम पे कर्जा है बेटा, ठीक है। बाग बगीचे उम्दा कोठे, ऐश करेगा वह, शनि हो उसके दाएं बाएं, देखेगा ना कभी हादसा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे में तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 11वें या 9वें घर के अंदर शनि हुआ तो जिंदगी में कभी बहुत बड़ा हादसा होकर के लोगों के साथ जो बहुत बुरा बुरा हो जाता है, ऐसा कुछ तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं होगा। उल्टा तुम जिस गाड़ी में बैठोगे उसका एक्सीडेंट कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। चंद्र उसका साथ में चौथे, या कि घर दूजे हो, मिट्टी से भी खांड है बनती, मोटर लारी उम्दा हो। कहता अगर तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 4थे या 7वें घर में चंद्रमा हुआ तो रुपया पैसा, पानी का बहाव, गाड़ियों के सुख सब कुछ उम्दा होंगे। अब नेचुरली बात है तुम पे कर्जा है तो 4थे और 7वें घर में नहीं है चंद्रमा। तो अब लाल किताब की यही तो खासियत है कि इसे स्थापित कर सकते हैं। तो 43 दिन 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम मिश्री सफेद कपड़े में बांध के उसको जल प्रवाह कर दे बेटा, धन लारी गाड़ी सब उम्दा हो जाएगा और अपने आप कर्जा भाग जाएगा। पहले 5वें रश करेंगे, बुरा नहीं वे करते हैं, मदद तो उसकी बेशक होवे, हसद नहीं करते हैं। जो ग्रह तुम्हारे पहले और 5वें घर में होगा उससे संबंधित किया गया कारोबार, उससे संबंधित के रिश्तेदार या दुनियादारी के रिश्तेदार जो भी होंगे वो तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो ये हसद यानी कि लड़ाई कभी नहीं करेंगे, बुरापन कभी नहीं होगा। ये ग्रह अब बुढ़ापे में आराम देगा, शनिचर की हाजिरी में वह वक्त जवानी इश्क का घर होगा, जिससे केतु का फल मंदा होगा, बल्कि मंगल भी चिल्लाता होगा और चंद्र पछताता होगा। अब क्या है तुम्हारी कुंडली के अंदर भाई के साथ बनने में दिक्कत, बेटा पैदा होने में या बेटे के सुख के लिए किसी न किसी तरह की तकलीफें होंगी, और चंद्रमा यानी कि माँ, इसके साथ में लड़ाई झगड़ा क्लेश, कोई ना कोई स्थिति ये तुम्हारे साथ बना करके रखेगा। ये तुम्हारे जीवन के अंदर है, यही कुल जीवन है बेटा तुम्हारा। और उपाय सिर्फ एक, 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम मिश्री सफेद सूती कपड़े में बांध के बेटा उसको जल प्रवाह कर दे, दाता तेरे को सब सुख देगा और कर्जा जरूर उतरेगा। शर्त एक है कि तू जिस घर में रहे उसके पश्चिम की दीवार की तरफ में, अगर तू पक्के शहरों में ही रहता है, पक्के घरों में रहता है बेटा, तो वहां पर मिट्टी के गमले खूब सारे लगा दे और देख अपनी किस्मत फिर उसके बाद कैसे बनाए। खुश रहे। अब समय है उन दर्शकों की किस्मत जानने का जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उनका जन्म का समय शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे। अब जो बेटा हम आपको लाल किताब के ये जो सत्य बता रहे हैं, ना मानने वाले भी यानी कि जो ज्योतिष को नहीं मानते बेटा उनको भी सर झुका करके ज्योतिष को मानना पड़ेगा।
कारण ये है कि हर इंसान जानता है कि भारत देश के अंदर ज्योतिष विज्ञान रहा, हर इंसान जानता है कि यहाँ पर इंसान को ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, जन्म से ही बता दिया जाता था कि इसकी किस्मत ऐसी है। जैसे जब दुर्योधन पैदा हुआ तो उस वक्त में के जितने भी अपने ये ऋषि मुनि रहे, उन्होंने उसकी जन्म कुंडली देखी तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला था कि इस बच्चे को खत्म कर दो वरना कुल का नाश हो जाएगा, लेकिन नहीं माना गया और पिता का प्रेम ऐसा हुआ कि जिसके अंदर वाकई में महाभारत तक बात आई और वाकई में लोगों के कुलों के कुल नाश हो गए। और ऐसे बच्चे भी यहीं पर पैदा होते हैं बेटा, जो कुल में आते ही कुल का नाम रोशन कर देते हैं, उसको समृद्ध कर देते हैं, मालोमाल कर देते हैं। ये सारी जितनी किस्मत है बेटा लाल किताब बताती है, समझ गए? और है बेटा लाल किताब बताती है, समझ गए? और अब जो लोग 4 बजे से 7 बजे के बीच में पैदा हुए हैं सोमवार को, उनकी किस्मत में क्या लिखा है देखिए। तोता कलाई खड़ा अंडा बुआ मौसी, बुध चौथे कच्चा घड़ा कोरा उमदा साफ, अरब करोड़ी लखपति मारे अपना आप। कहता है कि ऐसा इंसान हृदय से बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होगा और किसी के लिए भी बल फरेब इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अरब करोड़ी भी भले ही बेशक हो, लेकिन दिल उसका इतना कमजोर होगा कि किसी भी बड़ी मुसीबत के अंदर जब पैसे की दिक्कत ना हो लेकिन कोई भी और ऐसी मुसीबत आए तो आदमी खुदकुशी तक के लिए भी सोच सकता है। ये धन का हो तो दरिया चलता जो खत्म होता नहीं, लड़की बैठी राज करती दिल मगर होता नहीं। तो पिछले दिनों के अंदर एक वाकया टीवी चैनलों के ऊपर भी चला कि करोड़ों अरबों पति होते हुए भी आदमी ने खुदकुशी कर ली, जबकि पैसे उसके पास भरपूर थे, अपना कर्जा वो बड़े आराम से चुका सकता था, उसको पैसे की कमी नहीं थी। जरूर कुछ और उसको जिंदगी के अंदर तकलीफ रही होगी जिसके कारण उसने खुदकुशी कर ली। कहने का मतलब उस इंसान का अगर जन्म काउंट किया जाए तो वो सोमवार के दिन शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में पैदा हुआ था बेटा, इससे साफ पता चलता है, समझ गए? तो ऐसा इंसान लाखों करोड़ों पति अरबों पति होने के बावजूद भी थोड़ी सी ठोकर से टूटता है और खुदकुशी करने के बारे में सोचता है, ठीक है? बुध चौथे हो सूरज पांचवे, गुरु हो बैठा नौवे अंग, राजयोग वह मर्द कहावे, बकरा जंगल सांप को जो खावे। यानी कि अगर ऐसे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर सूरज पांचवे घर में हो और बृहस्पति नौवे घर के अंदर हो, जो कि उसी शख्स जिसने खुदकुशी की उसका जरूर होगा, ठीक है? और सूरज पांचवे घर में बृहस्पति नौवे घर में हो तो राजयोग का वह मर्द कहावे, यानी कि उसको इतना पैसा आवे जैसे राजा के पास लगान आता है, तुम लोगों को टीडीएस देना पड़ता है, सरकार के पास जाता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है सरकार के पास, ऐसे उसके पास में धन आता है। और ऐसा इंसान जिसको हुक्म कर देगा कि ये फलाने को टांग दो तो वो बेटा वो भी काम होता ही है, ठीक है? तोता सब्ज मैना का साथ, ठंडा रहता पानी बेहाथ, हीरा कीमती कुल को तारे, धन दौलत परिवार हो सारे। कहता है अगर ऐसे इंसान ने पक्षी घर पे पाल लिए, तोता मैना चिड़िया विदेशी पक्षी वो छोटे छोटे पालते बेटा, अगर पाल लिए तो बेटा सारे का सारा पैसा रेत बनके सब हाथ से फिसल जाएगा और जिंदगी के अंदर उसके बाद सुख नहीं पा पाएगा। हीरा कीमती कुल को तारे, धन दौलत परिवार हो सारे, चंद्र सूरज हो 3/11 गुरु नौ में बैठा हो चाहरा, धन आयु परिवार भी हो, फल चारों का उम्दा हो। कहता अब ये कुल को तारने वाले हीरे पैदा हुए हैं, तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य चंद्र 3 या 11 में हो और बृहस्पति नौवें घर में बैठा हो तो भी राजयोग है, धन आयु परिवार इन सब का फल बड़ा उत्तम होगा और जिंदगी बहुत ही गुलजार गुजरेगी, ठीक है? बिल्ली से तोते का दिल मुर्दा हुआ या राहु के ताल्लुक से बुध खुद मुर्दा होगा, जरा सी ठोकर से कच्चा घड़ा खुद ब खुद टूटा होगा, जिसके लिए सूर्य की आशा का उपाय, दौलत के लिए बृहस्पति का उपाय मददगार होगा। अब क्या है कि ऐसा आदमी होगा तो कबूतर के दिल का, कि जैसे बिल्ली देखी आंख बंद कर ली, समझ ले बिल्ली चले गई, वो पता चलता है अपनी जिंदगी ही खा गया। तो ऐसे इंसान को जरा सी ठोकर लगती है तो वो खुदकुशी की तरह भागता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यही इसका हाल है। लेकिन ऐसे इंसान
जिसको अगर कमाई के लिए कोई दिक्कत आ रही है या किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो 7 बुधवार 400 ग्राम गुड़ लेकर के जल प्रवाह कर दे तो उसकी कमाई के रास्ते की हर अड़चन दूर होती है। और अगर पैसा जमा होने में दिक्कत है तो गले में सोने की चेन धारण कर ले और हर रोज केसर का तिलक डाबी जुबान माथे पे लगाना शुरू करे। देखो जो दौलत कैसे जुड़ती है इन लोगों की। कई बार सफर बिना मतलब और ला हासिल होगा। ऐसे इंसान का काम ही ऐसा होगा कि उसको बार बार कभी इधर भागना पड़ता होगा, कभी उस कंट्री में भागना पड़ता होगा, कभी उस प्रदेश में भागना पड़ता होगा। इसको ऐसे ही सफर मिलेंगे लेकिन उनसे कुछ खास हासिल नहीं होगा। लेकिन वो जो बैठ के काम करता होगा, ऑर्डर दे के जो काम करवाता होगा, उसके प्लानिंग बना के जो काम करता होगा, उसके अंदर उसको बहुत लाभ होगा। ठीक है, केतु के तालुक से बर्बाद होगा। लेकिन अगर ऐसे घर में वो अपनी बहन का बेटा, अपनी बुआ का बेटा ये ला करके रख देता है या घर में कुत्ता पाल लेता है तो ऐसा इंसान बर्बाद हो जाएगा, उसकी ये अच्छी किस्मत वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। मगर माता की उम्र के लिए मंदा होगा। अगर माता जिंदा हो तो माता के हाथों से धन दौलत मंदा होगा, यानी कि माता का हाल मंदा होगा, यानी कि कोई भी रीजन है कि जिससे कि मां सुखी ना रहे। और मां अगर जिंदा होगी तो वो जो पैसा अपने हाथ में ले लेगी, पुत्र को वापस नहीं देगी, ना जरूरत के वक्त में देगी या किसी और के नाम कर देगी। तो इस तरह की तकलीफ जीवन के अंदर भोगनी मिले पड़ेगी। लेकिन अपनी कमाई हुई किस्मत के लिए जिंदगी बहुत ही उम्दा होगी और अपने घर वालों को तारने के लिए ऐसे बच्चे की किस्मत बहुत ही उम्दा। गुरुजी जैसे भी आप बता रहे थे, मैं खुद भी सोच रही थी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी करता है। तो हम भी यही सोचते हैं अक्सर कि सब कुछ तो था जीवन में, क्या तकलीफ आई होगी कि इतना बड़ा कदम उसने जीवन में। लाल किताब लिखी ही रू और बुत के झगड़े के ऊपर गई है। रू यानी कि हमारा मन, बुत यानी कि हमारा शरीर जो कर्म करता है। क्या रू होगी, हमारा दिल दिमाग कैसा होगा, ये फिक्स है। हमारा बुत कैसा होगा, ये फिक्स है। तो किस्मत तो ऊपर से पहले लिखी हुई पक्की आती है, तुम कर क्या लोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम किसी और वार को किसी और समय में पैदा हुई हो, मैं किसी और वार को किसी और समय में पैदा हुआ, तो मेरी किस्मत अलग, तेरी किस्मत अलग। तू जो काम कर रही है बेटा, उसमें हो सकता सक्सेस निकले, मैं जो काम कर रहा हूं हो सकता वही काम मेरा डूबे। इसीलिए लोगों के विचार कभी नहीं मिलते, लोगों के काम के तरीके नहीं मिलते। बस एक ही बात है, जो सक्सेस होता है या जो लेक्चरर होता है वो भाषण देता रहता है, सामने वाले को पता है मैं अपनी जिंदगी के अंदर क्या भोग रहा हूं। अरे तुम जो समझा रहे हो वो समझ के तुम तो अपना जीवन पार कर गए, लेकिन जब वही समझ मेरे में आती है, मैं करता हूं, मेरे काम उल्टे होते हैं। तो बेटा किसी का समझाया हुआ भी काम नहीं आता। माँ बाप भी बच्चे को नसीहत दे सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, किस्मत नहीं दे सकते। किस्मत आपको अगर पता है कि आपकी किस्मत क्या है और क्या लेकर के आई है, क्या देके जाएगी या जिंदगी में से क्या लेके जाएगी, अगर इसका ज्ञान ना हुआ और इसके उपाय का ज्ञान ना हुआ तो बेटा लड़ते रहो जिंदगी के अंदर। तलवार भी तुम हो, ढाल भी तुम हो, समय के सब कुछ तुम होने के बावजूद भी बेटा मार खाने वाले भी तुम। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे और इस विषय पे चर्चा जारी रखेंगे। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं, सोमवार को जिनका जन्म हुआ है, और गुरुदेव जो अगला टाइम स्लॉट है वो है 7 बजे से लेकर 8 बजे, यानी शाम को 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जिनका जन्म हुआ है उनकी किस्मत क्या है। सोमवार के दिन जो बच्चे बेटा शाम को 7 से 8 बजे के बीच में पैदा हुए हैं उनकी किस्मत क्या कह रही है। राहु केतु अगर चौथे माता चंद्र से डरते हैं, तारे उसे न तारे मर्जी कसम पाप की करते हैं। कहते अब जैसा जीवन लेकर के पैदा हुआ है, जो घर के पैदा हुए हैं उनकी किस्मत क्या कह रही है। राहु केतु अगर चौथे माता चंद्र से डरते हैं, तारे उसे न तारे मर्जी कसम पाप की करते हैं। कहते अब जैसा जीवन लेकर के पैदा हुआ है, जो घर के हालात हैं, अब वो समृद्ध भी हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, हो सकता है उनके अंदर ये बदलाव ना कर पाए,
लेकिन जिंदगी के अंदर और कोई दुख आए ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये राहु केतु इस घर के अंदर बेटा कसम ना कर, पाप ना करने की कसम खा के बैठते हैं, तो जिंदगी उथल पुथल तो नहीं होती लेकिन हालात बदलने में तकलीफ हो सकती है। ग्रहण हुआ जब माता घर में, माता खुद शर्माती है, निस्फ उम्र तक पानी डूबे धन दौलत भी डरती है। तो राहु की उम्र 42 साल, चंद्रमा की उम्र 24 साल, ठीक है 42 और 24 संगे ये हो गए 66, इसका आधा 33। 33 साल की उम्र तक मां को तकलीफें तो रहनी ही है, चाहे वो शारीरिक कष्ट रहे, घर के दुख रहे, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर दिखते रहे, इनमें से कुछ ना कुछ तो मां के साथ चलेगा, उसके बाद में जीवन अच्छा होगा। निस्फ उम्र तक पानी डूबे धन दौलत भी डरती है, पहली उम्र गर मंदे होवे दूजे चक्र वे अच्छे है, ग्रहण गुजरते दोनों भाई ले कूड़ा करते हैं। ऐसा इंसान का या तो भाई होगा या दुनियादारी के अंदर कोई ना कोई भाई बनेगा। 33 साल की उम्र के बाद ऐसा इंसान अपने घर के हालात को, अपने कामकाज के हालात को, अपने जीवन के स्तर को बदलने में पूरा सक्षम हो जाएगा और उसके बाद जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे की तरफ बढ़ेगा और जिंदगी के अंदर बहुत बची कमाई करेगा। ठीक है, इल्मो अकल का तो जरूर साथ होगा, यानी कि ऐसे इंसान की पढ़ाई लिखाई और कॉमन सेंस बहुत अच्छी होगी और फायदा लेगा, मगर जद्दी जायदाद चंद्र का असर जमीनी खेती वगैरह कम ही होगा, यानी कि बाप से मिलने वाली जमीन जायदाद या खेती की जमीन इसका असर बहुत कम होगा, ये जीवन के अंदर ज्यादा नहीं मिल पाएगी। राहु का बुरा असर फिक्रो गम में गर्क होगा, जिससे दूर होते ही सब कुछ बहाल होगा, मंदा जमाना मानित ख्वाब होगा। कहने का मतलब कि राहु का जो अरसा है, यानी कि बच्चे की समझिए वो उम्र जिसके अंदर अंतरदशा में राहु आ जाता है, लाल किताब के अनुसार उस समय के अंदर राहु का जो समय होगा वो तो बहुत बुरा होगा, वो 6 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो गुजरेगा यानी कि 33 साल की उम्र क्रॉस होगी, उसके बाद में अजुदाह यानी कि बहुत ही खुशहाली वाले हालात पैदा होंगे और जिंदगी के अंदर दुख सारे वो भूल जाएगा और ऐसा लगेगा कि जो बुरे दिन थे वो तो स्वप्न थे, मैं तो सुख में ही जीता हूँ। तो बेटा ये जिंदगी के अंदर हाल जरूर होगा और ये उनका होगा जो सोमवार के दिन शाम को 7 से 8 बजे के बीच में पैदा होते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए एक शर्त है। इन लोगों के लिए शर्त क्या है कि अगर इन्होंने कोई काम ऐसा कर लिया जिसमें से धुआं उठता हो, जो लकड़ी का या रबड़ के या कोयले का कुछ भी भट्टी जला करके काम करते हैं, तो ये जिंदगी बहुत ही बुरी जिंदगी होगी और सब कुछ जला देगी। घर में अगर इनके इस तरह का चूल्हा जलेगा, बॉन फायर वगैरह करेंगे, तो बेटा इनकी जिंदगी के अंदर वाकई बुरे से बुरे हालात पैदा होंगे, तो इनको इस एक हिस्से से बाज आना चाहिए, जिंदगी में सुनहरी दिन इंतजार कर रहे हैं, जरूर सुख मिलेगा। खास बात यह है इस एपिसोड की गुरुदेव कि सिर्फ किस्मत नहीं बताते हैं आपको गुरुदेव, बल्कि आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है वो भी बताते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आखिरी जो टाइम स्लॉट है, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंतजार इन लोगों को था, सोमवार के दिन जिनका जन्म हुआ है, जन्म का समय है 8 PM यानी कि रात के 8 बजे से लेकर सवेरे अगला ही दिन हो गया है तो 4 बजे, इसके बीच में जिनका जन्म हुआ है उनकी किस्मत सोमवार के दिन रात को 8 बजे से लेकर के और मंगलवार की सुबह 4 बजे तक तड़के जिसे बोलते हैं, जिन लोगों का जन्म हुआ है उनकी किस्मत पढ़ने जा रहा हूं बेटा। ठीक है, ऐसे लोगों की खासियत ये रहेगी कि उनके घर के अंदर ये कीड़े जरूर निकलते हैं, जो चींटियां घूमती ना घरों में और कीड़े घूमते हैं इनके घरों में जरूर आते हैं, और अगर ऐसा होता हो तो ये बुरी किस्मत की निशानी होती है बेटा, तो उस बंदे को दूध के छींटे उस जगह पे मारने चाहिए जहां चींटियां घूम रही हैं, और थोड़े दिनों में घर से निकल जाएंगी ये चींटियां, आनी बंद हो जाएंगी, समझ लो किस्मत अच्छी हो जाएगी, आपके तो शुरुआती उपाय से हो गई। ठीक है, शनि हो चौथे घर माता के, नस्ल मामू नहीं छोड़ता है, ऐसा बच्चा जो सोमवार के दिन रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के बीच में पैदा होता है बेटा, वो मामे के घर के लिए इतना भारी होता है कि मामे अगर हो या तो होते ही नहीं, अगर हो तो खत्म हो जाते हैं, यानी कि आगे उनकी नस्ल चले, आगे औलाद हो बेटा ये तो होने नहीं देते। एक समय ऐसा आता है कि मामा का पूरा घर खत्म हो चुका होता है, वहां कोई नहीं बचता इन लोगों के। कुल अपनी को डुबोता हुए
खुद भी गोता खावे, यानी कि काम उसके पास से अपने आप ऐसे होते हैं कि जिससे कुल का जो नाम है वो खराब होए और अपनी जिंदगी को वो सही ढंग से कहीं ले जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता। वो कोई ना कोई उल्टे सीधे काम करता ही रहता है। चंद्र दूजे या कि तीजे शनि भी चौथे बैठा हो, पितर रेखा अब उत्तम होगी, सुख सागर सब लंबा हो। कहते लेकिन ऐसे इंसान का बचाव तभी होगा कि अगर उसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा दूजे या तीजे घर में बैठा हुआ हो, जमगे तो ऐसी अवस्था में उसे पिता का सुख बहुत उत्तम मिलेगा और पिता का सुख सागर लंबा होगा। ठीक है, यानी कि पिता की तरफ से मिलने वाली सपोर्ट और मदद वो सब उसकी उत्तम होगी। चंद्र शनिचर साथी होवे, दूध जहर मिल जाता दो, धन खजाना मंदा होवे, शुक्र फल भी गंदा हो। कहता लेकिन ऐसे लोग जो सोमवार के दिन रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में पैदा हुए, अगर इनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा स्वयं अपने ही घर चौथे घर में अगर आ गया तो हाल बहुत ही खराब होगा। दूध में जहर मिल जाएगा, यानी कि जो उसके पास सुख होंगे उनको किसी न किसी तरह से किस्मत खराब कर डालेगी। धन खजाना मंदा हो, यानी कि जितना मर्जी उसके घर पे खजाना बुजुर्गों ने कमाया हो सब लुटपट जाएगा, प्रॉपर्टियां फंस जाएंगी, वाहन के सुख खराब हो जाएंगे। और शुक्र फल भी मंदा हो, यानी कि मैरिड लाइफ या तो बनेगी नहीं, बन गई तो चलेगी नहीं, यानी कि जीवन साथी के सुख भी खराब होंगे। ठीक है, शनि चार में गुरु हो तीजे, उधर उधर रेखा कहलाएगी, सबको लूट खसूट इतना जायदाद बन जाएगी। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो बच्चे सोमवार के दिन रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में पैदा हुए हैं, अगर उनका बृहस्पति तीसरे घर में बैठा हो उनकी जन्म कुंडली के अंदर, तो ऐसा इंसान चालबाजी से धोखे से समझे लोगों को लूटने के तरीके ढूंढ के इतना पैसा कमाएगा कि वो अपनी जायदाद खड़ी कर लेगा। जायदाद खड़ी करने का मतलब लाल किताब छोटी मोटी चीज के लिए नहीं बताती, हमेशा बड़ी बड़ी चीजों के लिए बताती है। तो बहुत सारे केस अदालतों में भी पेंडिंग चलते और भी जगह क्या करते, लोगों का धंधा यही है कि लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनके ऊपर झूठे केस लगाते हैं और डर देते हैं, धमकाते हैं, सेटिंग करके उनको फंसाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सोमवार के दिन रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में पैदा हुए हैं और इनका काम ही लोगों को दुखी करके उनसे पैसा वसूल करना होता है। और अदालतें भरी पड़ी है ऐसी बहुत सारे केसों से, बेटा क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं वो बताते हैं कि किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरह यह है। ये ऐसे लोग, अब उनकी कुंडली तो नहीं होती जो ब्लैकमेल कर रहा है, तो बेटा उनकी कुंडली के अंदर यही योग होता है, ये इस किस्मत में लिखा है। आगे लिखा है पानी के किनारे या कुएं वगैरह पर सांप और खूनी मलाह होगा। कहता अगर कहीं उसका घर कुएं के ऊपर बन गया तो ऐसा इंसान या तो खुद स्वयं बहुत दुखी रहेगा या फिर वो शायद किसी को मार भी सकता है और खुद अपनी जायदाद जल्दी के कोयले करके ही छोड़ेगा। अगर ऐसा घर बन गया जो कुएं के ऊपर आसपास में बना दिया तो ऐसा इंसान कितना भी समझदार हो उसकी पाई पाई तक खर्च हो जाएगी, उसकी जायदाद बिक जाएगी, वो जिंदगी के अंदर अपने कर्म से कुछ नहीं कर पाएगा। जिससे कि चंद्र का कुएं में दूध गिराने से चंद्र का उत्तम होगा, औरतों की कबूतरबाजी शनिचर का आश्रम मंदा करेगी। कहते अगर ऐसे इंसान ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे विपरीत लिंगी से संबंध बनाया, इसे कबूतरबाजी बोलते कि संबंध बनाया, तो जिंदगी नरक बन के रह जाएगी। लेकिन ऐसे इंसान ने अगर ऐसा बुरा कर्म नहीं किया और 43 दिन कुएं में या कोई बोरिंग जिसके अंदर के पानी होता है बेटा उसमें 43 दिन अगर दूध गिरा दिया तो ऐसे इंसान की किस्मत का सूरज निकल पड़ेगा और वो जिंदगी के अंदर कामयाब जरूर होगा। इन लोगों के लिए ये उपाय भी है बेटा। ठीक है, अब एक बात और लिखी कि ऐसे इंसान के शरीर पर और छाती पर अगर कम बाल हुए तो बेएतबार ही होगा। यानी कि ऐसा इंसान जो सोमवार के दिन रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में पैदा हुआ है, अगर इसकी छाती पे या शरीर पे बाल कम होते हैं तो उस इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो उसे पता है कि वो अपनी फितरत बहुत जल्दी बदल लेता है, बिन पहने का लोटा है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना फायदा देख के बदल लेता है। तो बेटा ये बात भी इन लोगों के साथ है।
गुरुदेव, वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि जो तमाम लोग हमसे संपर्क करते हैं और आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, हम उन्हें बतौर कॉलर अपने शो पे लें। लेकिन जो लोग कॉलर नहीं बन पाते हैं वो फेसबुक पे आपसे सवाल पूछते हैं। उनमें से ही एक फेसबुक पे एक है दर्शक, जो सवाल पूछ रहे हैं अपने माता के बारे में। उनका जन्म की तिथि है 29 मार्च 1988 और जन्म का समय है सुबह 4 बजे, दिल्ली का जन्म है। पूछ रहे हैं कि माँ का स्वास्थ्य कैसा है। बेटा, इसके अंदर जो नजर आ रहा है, इन लोगों ने मकान बनाया होगा, रिपेयर करवाया होगा, या मकान लेकर के शिफ्ट हो गए, उसके बाद में इनकी माताजी को तकलीफें चल रही हैं। और ये जो केतु है बेटा, ये कमर, पांव, पेशाब वाली जगह, इन हिस्सों में, पेट में ये दिखते देता है। ये ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर भी ये दिखते कभी भी बना सकता है। अब जब तक बेटा ये शनि और केतु के उपाय नहीं करते, तब तक माताजी का पूरी तरह स्वस्थ होना उसके लिए दिक्कत दिखी हुई है। तो इन लोगों इनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 8 किलो उड़ा साबुत लेके सरसों का तेल लगा के माताजी के सर से वार के बेटा उसको जल प्रवाह कर, फिर उनके हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के लगातार नहाते रहो, और नहाते समय बेटा वो पांव के नीचे कोई फट्टा या कोई पत्थर वगैरह जरूर रख के नहाए। फिर अगला उपाय है इनका, वो ये कि घर से बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये तो निकालनी है। फिर शंख, सीप, कौड़िये, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई चीज हो तो वो घर पे बिल्कुल ना रखे। पीतल के एक बड़े से गागर के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के ऊपर नॉर्मल ढक्कन रख के माता जी के सोने वाले कमरे में रख दो बेटा। इसके बाद परमात्मा की दया से तुम देखना जिंदगी के अंदर इनके अपने आप इनको समृद्धि भी, खुशहाली भी, स्वास्थ्य के सुख सब मिलेंगे। पर एक और चीज, कभी कभार यानी हफ्ते में एक बार कोई भी दिन चुन लो, 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करते रहो, और इससे तुम्हारी माताजी के हालात बहुत अच्छे बनेंगे, दाता खुश है। गुरुदेव, ये बातचीत इतनी अच्छी है, मुझे लग रहा है कि सवाल इतने हैं लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, इसीलिए जाने से पहले आज का तो खास गुरु मंत्र लेकर ही जाएंगे। बेटा, बात ही ऐसी हमने शुरू करी है, ये सीरीज ही ऐसी बनाई है, आपको एक ही चीज समझाता हूँ कि जिंदगी के अंदर ज्ञान होना बेहद जरूरी है। आप माँ वैष्णो देवी जाती हो ना बेटा, वहां जाके आपको क्या संदेश मिलता है? हर कोई जाता है झोली फैला करके माता रानी से मांग के आ जाता है, लेकिन उसके पीछे संदेश क्या है, परमात्मा ने दिया क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब आप वैष्णो देवी जी जाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हो, तो वहां क्या आप देखते हो, 3 पिंडी रानियां हैं। जब आप देखते हो तो अपने लेफ्ट हैंड पे देखिए, वहां पर माँ सरस्वती विराजमान है, राइट हैंड पे देखो माँ काली विराजमान है, और सेंटर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ज्ञान है, यानी कि माँ सरस्वती है, ज्ञान है, जान पहचान है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, तो लक्ष्मी नहीं पैदा हो सकती। अगर आपके पास हिम्मत है और ज्ञान और जान पहचान नहीं है, तो लक्ष्मी नहीं पैदा हो सकती मां, यानी आपके घर नहीं आएगी। तो करना क्या है बेटा, अपनी जिंदगी के अंदर लिखाई पढ़ाई और तरह तरह के लोगों के साथ अच्छी जान पहचान तुम्हारे पास जरूर हो, ये मां सरस्वती का कहना है, और तुम्हारी जुबान इतनी मीठी हो कि जो तुमसे मिले वो तुम्हारा अपना हो जाए, ये मां सरस्वती ज्ञान देती है। अब यहां बैठ के तुम प्लानिंग बनाओ अपने जीवन को चलाने के, जो अपने ज्ञान के आधार पर चलाने के, अपनी काबिलियत दिखाने की हिम्मत करो, यानी मां काली वाला रूप लेकर के हिम्मत करो और जिंदगी से जंग लड़ने की अपनी तैयारी करो। समझ गए, ज्ञान तुम्हारे पास है, हिम्मत अपने अंदर ये बना लो, मां लक्ष्मी तुम्हारे घर पे आके रहेगी। समझ गए, यही तुम उपाय समझो बेटा, कि अगर ज्ञान है तो हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत है तो ज्ञान पाना पड़ेगा, ये दोनों चीजें अपने हाथ में ले लो बेटा, माँ लक्ष्मी जरूर तुम्हारे घर में आएगी। लेकिन एक और बात, माँ वैष्णो देवी जी आप जाती हो बिना भैरव जी के दर्शन किए, कहते फल आपको प्राप्त होगा ही नहीं, सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, ये क्यों कहा गया? भैरव जी, बटुक भैरव जी यानी कि शुभ केतु, यानी कि शुभ शनि, अगर ये ज्ञान और ये हिम्मत लोगों की भलाई के कार्यों को इस्तेमाल के लिए अगर आप करते हैं, या फिर चलाकी भी अगर आप करें, तो वो ऐसी चलाकी होनी चाहिए जो आपसे पहले दूसरे लोगों की भलाई के कार्यों को इस्तेमाल के लिए अगर आप करते हैं, या फिर
चलाकी भी अगर आप करें तो वो ऐसी चलाकी होनी चाहिए जो आपसे पहले दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली हो, दूसरे के भी दुख दर्द को देख करके इस तरह का कार्य किया जाए कि आपका कार्य दूसरों को सुख दे और आप चलाकी से यानी कि बिजनेस वाली बुद्धि से पैसा कमा जाए तो वो बिजनेस कामयाब होगा। समझ गए? तो बेटा ये तो अपने आप में उपाय है। तो जब भी आप आगे से वैष्णो देवी जाओ तो आपके पास ज्ञान है तो माँ काली को बोलना कि मुझे हिम्मत दो, और अगर आपके पास हिम्मत है तो माँ सरस्वती को बोलना कि मेरे को मीठी वाणी भी दो, मेरे को ज्ञान भी दो और जान पहचान भी दो, उनसे ये मांग के आना। और फिर भैरव जी के पास जाके दर्शन करके उनको ये कहना कि प्रभु मैं तो माँ की ये कृपा लेके आया हूँ, मैं जीवन को इसी आधार पे चलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब आप मेरे को अपनी तेजी चुस्ती चलाकी ऐसी दो कि जिससे मैं अपना तो भला करूं ही करूं, दुनिया का भी भला, मैं किसी का बुरा ना कर। ये भैरव जी पे जाके मांग के देखो बेटा, जीवन बदल जाएगा और इसके बाद में जिंदगी के अंदर अच्छा ही अच्छा दिन आएगा। माता रानी सुखी। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुख दे, सबको खुशियां बख्शे और खूब समृद्धि बख्शे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।